मैं आदिशक्ति की तरफ से श्रेष्ठ फिल्म को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतनी शानदार फिल्म इन्होंने बनाई है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि इस फिल्म से आदिशक्ति डायरेक्ट जुड़ी हुई है। हमें आज बुलाया गया है, आम्रपाली का जन्मदिन है, तो मैं उनको बहुत बहुत जन्मदिन का मुबारकबाद देता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार हर साल इस जन्मदिन पर श्रेष्ठ फिल्म एक फिल्म लॉन्च करते रहे और हम आए इसी प्रकार से उनको जन्मदिन की बधाई देता रहूँ। ये जो प्रेम राय हैं, हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई, ये एक काबिल प्रोड्यूसर है, बहुत दिल से फिल्म बनाते हैं, पूरा जी जान लगा के फिल्म बनाते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरीके से फिल्में बनाते रहे और हम लोग इसी तरीके से इनसे जुड़ते रहें। धन्यवाद। जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले आपकी फिल्म की नायिका का बर्थडे आप लोगों ने यहाँ सेलिब्रेट किया, उनको एक सरप्राइज दिया आपने। सरप्राइज़ दिया है, ये बात तो सही है, और सरप्राइज़ में दादा भी साथ में हैं और रत्नाकर जी भी साथ में हैं, जो हमारे ऑडियो वीडियो सैटेलाइट के मेन आदमी हैं। और अपना क्या नाम है सर? वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स आदिशक्ति म्यूज़िक कंपनी। और दादा का हमेशा से मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है, ये मेरे बड़े भाई, बड़े पिता, मतलब जैसे भी बोलेंगे मेरे गार्जियन के समान है मुंबई में, ठीक है। और ये मेरे बड़े भाई रत्नाकर जी, और इनका सपोर्ट हमेशा से रहा है, और जिन इनका सपोर्ट हट जाएगा मैं मुंबई से हट जाऊंगा, ठीक है। और फिल्म मैं अपने हिसाब से बनाता रहूंगा और अच्छा प्रोडक्ट हमेशा देता रहूंगा। इसके पहले भी मैंने दो फिल्म बनाए हैं, आशिक आवारा भी मैंने बनाया है, और आप देखिए, और देखने के उसके बाद मैं राजा हिंदुस्तानी और दीवार दोनों बनाने जा रहा हूँ। दीवार में अपना दिनेश जी, पवन सिंह और रवि किशन जी हैं, और ये मेरे ख्याल से भोजपुरी की सबसे बड़ी फिल्म होगी, मेरे ख्याल से। इसके बाद भी कोई बहुत बड़ा बना देगा तो मेरे को पता नहीं, पर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी फिल्म होगी। और दो फिल्म के बनाने के बाद में मैंने हिंदी का भी शुरुआत कर दिया है, और इसके बाद हिंदी फिल्म बनाने जा रहा हूँ। और दादा और रत्नाकर जी का उसमें से बहुत बड़ा मेरे साथ हैं, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। सर, बात करें आशिक हमारा की, तो फिल्म जैसे कि आज लाइट है और काफ़ी फिल्म बन चुकी है, एडिट भी हो चुका है, क्या कहना चाहिए, किस तरह की मूवी होगी, ये दर्शकों को आशिक अवारा ये गाने को अगर छोड़ दे, इस गाने को छोड़ दे, तो आशिक अवारा बिल्कुल तैयार है रिलीज़ होने के लिए। अगर कल बोलेंगे तो मैं परसों रिलीज कर सकता हूँ। तो ये गाना हमने स्पेशल अपीयरेंस पे रखा हुआ है, और ये गाना बहुत ही अच्छा गाना है। और आशिक अवारा मेरे ख्याल से, देख मैं तो प्रोड्यूसर हूँ, हर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को अच्छा बोलता है, पर जब लोग देखेंगे तो उसके बाद वो लोग का ही, आप उसके बाद व्यू लीजिएगा कि वो फिल्म कैसी बनी है। सतीश जैन के डायरेक्टर हैं, सतीश जैन के पहले भी दो तीन फिल्म बहुत अच्छे दे चुके हैं, और मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि सतीश जैन की ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी, और दिनेश जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये फिल्म के ऊपर में मेरे ख्याल से दो तीन लोगों का आधार टिका हुआ है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा हीरो और मेरा जो डायरेक्टर है, उसका आधार टिका हुआ। अगर ये फिल्म नहीं चली, चलेगी जरूर, मेरे को इतना भरोसा है, नहीं चली तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर चली तो बहुत अच्छा होगा, और मेरा ये भरोसा है, इतने बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद है, तो फिल्म 100% चलेगी, मेरा भरोसा है। ये अभी लास्ट दो सालों में जो है ये सबसे बड़ी पिक्चर है जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, और आदिशक्ति ऑडियो एंड वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स में है ये, इसके सारे म्यूज़िक, इसकी मार्केटिंग प्लान में यही है कि सबसे बड़ी मार्केटिंग प्लान इसकी बनाई गई है, जो 10-15 दिनों में इसका ऑन हो जाएगा हर एक जगह पर। और म्यूज़िक इतने अच्छे बने हैं, और ये बहुत काबिल प्रोड्यूसर हैं कि इनके सारी जो पीछे की भी जो पिक्चरें थी, उस सारे के हिट हुए गाने, तो हम लोग को बहुत एक्सपेक्टेशन है, एंड उम्मीद कर रहे हैं कि ये इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी भोजपुरी में होगी, और यहीं से और लोगों की भी शुरुआत होगी कि जैसा ये प्रोडक्शन करते हैं वैसा ही सारे लोग प्रोडक्शन करने में दिलचस्पी दिखाएँ, कि जितना ये यूज़ करते हैं, जितना ये अच्छा म्यूज़िक देते हैं, तो इनसे लोगों को सीखने को मिलेगा कि जैसा ये बना रहे हैं। आज तक की मूवी जितनी भी आई है उसमें इस साल की सबसे बड़ी पिक्चर होनी चाहिए, और उम्मीद है, और दुर्गा दा हैं, एंड खुद ही प्रेम जी ने इतनी मेहनत की है, सब लोगों ने इतना मिल करके इसको हर एक जगह पे, हर एक कॉर्नर पे हेल्प, हम लोग पोजीशन ले रहे हैं कि इसको कैसे और बड़ा बनाया जा सकता है, और इंडस्ट्री में इन लोगों का सपोर्ट है
है ना, तो अब जो सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे एक इंडस्ट्री एक नया रास्ता लेती है। पीछे कौन है, हटाना उसको। और उम्मीद है कि इस साल का सबसे बड़ा पिक्चर ये घोषित किया जाएगा। सर बात करें फिल्म की, नायिका अमरपाली का आज बर्थडे, आप लोगों ने मिलकर बनाया, सेलिब्रेट किया? हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया और उनको बहुत बहुत बधाई बर्थडे के दिन। और ये आज लास्ट शूटिंग है और सबसे अच्छा गाना जो है वही शूट हो रहा है उनके लिए, तो यही उनके लिए बधाई है सबसे बड़ी। और प्रेम जी ने सरप्राइज़ बर्थडे रखा, उसमें सब लोगों ने इन्जॉय भी किया है इस चीज़ को।